IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना खत्म होने के बाद एक बार फिर से नेताओं के सियासी कार्यक्रमों की सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से समाज सुधार अभियान यात्रा पर निकलेंगे, साथ ही वो जनता दरबार का भी आयोजन करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बेरोजगारी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए हम आपको नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 फरवरी को भागलपुर से फिर अपनी समाज सुधार अभियान यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री 22 फरवरी को भागलपुर, 23 फरवरी को जमुई तो 26 फरवरी को बेगूसराय पहुंचेंगे। इन तीनों जगह पर मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोरोना गाइडलाइन में रियायत मिलने के बाद एक बार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री 14 फरवरी को जनता दरबार में हाजिर होंगे और लोगों की समस्या भी सुनेंगे। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी अब एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए पाबंदियां घटाई तो नेता प्रतिपक्ष भी अब बेरोजगारी हटाओ रैली की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी इस दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे और अंत में गांधी मैदान में रैली का आयोजन करेंगे। तेजस्वी इस यात्रा के तहत सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरेंगे। इसी बीच राजद की 10 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। वहीं बात अगर लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान की करें तो वह भी कोरोना के शांत होने के बाद अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुट गए हैं। चिराग 15 फरवरी को राजभवन मार्च करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ चिराग पासवान यह मार्च निकालकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IVTV। धन्यवाद।